नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उन प्रश्नों को लेकर जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ना कुछ आपको टफ लगते होंगे, क्योंकि आपके जो टफ लगने का कारण ये है कि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है जो आपको होनी चाहिए। तो वही प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपके साथ हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो वो आज हम समझते हैं क्या है पहला क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछा गया था, कि 5 दिया गया है, 19 दिया गया है, इसके बाद दिया गया 49, फिर 101 दिया गया है, फिर 181 दिया गया है, फिर दिया गया है 295, और पूछा गया है कि इसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस करके देखेंगे। तो अगर हमने डिफरेंस किया तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद कितना आ रहा है कि 19 और 5 का अंतर कितना हुआ, वो हो गया 14। बिल्कुल ध्यान से सुनना, 19 और 5 का अंतर हुआ है 14, और 19 और 49 का अंतर देखेंगे तो वो कितना हुआ है, 30 हो गया। ठीक है, 49 और 101 इसका अंतर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर कितने का आया है, 52 का अंतर आया है। 101 और 181 इसका अंतर कितना हुआ है, 80 हुआ है, और 181 और 295 तो इसके अंतर की बात करेंगे तो कितना हो गया है, ये 4 हो गया है, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और ये 114। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई 14 है, 14 के बाद 30 आया, 20 मतलब 16 प्लस हुआ है, ठीक है, और 30 के बाद फिर 52 आ गया है तो कितना प्लस हुआ, 22 प्लस हुआ है। तो फिर देखेंगे 52 के बाद 80 आया तो 28 प्लस हुआ है, 80 के बाद फिर 114 आया तो यानी कि 34 प्लस हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर डबल डिफरेंस इसका आंसर आता है ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा प्रोसेस लगाएंगे। तो 14 और 30 इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, फिर 30 के बाद 52 है, 52 में अंतर जो बनेगा वो 22 का बनेगा, 52 और 30 का अंतर क्या बनेगा, 22 बनेगा। फिर इसके बाद देखते हैं 52 और 80 में कितना का अंतर आएगा, 28 का, फिर आएगा 34 का। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि सब 6-6 अंक बड़े हो गए, ठीक है, तो ऐसे ही 34 के 6 और जोड़ दिया जाएगा, तो 34 में 6 जोड़ दिया जाएगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 और 114 फिर जोड़ के यहाँ पे रख दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी से ध्यान से, 154। तो अगली जो डिजिट आएगी वो 295 में 154 जोड़ने के बाद आएगी, तो 295 प्लस 154 इसको ऐड किया हम लोगों ने, 5-4 कितना हो गया, 9-5-14 और एक कहाँ से इधर चली गई तो कितना हो जाएगा, 449। तो इसका आंसर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, 449। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपके पिछले परीक्षा में पूछा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि NTA 14, ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि NTA 14 तथा NTA 15, ये दोनों जो संख्या दी गई ये 5 अंकों की संख्या है, जिनका योग, इनका योग भी दिया गया है, जिनका योग कितना है, 15, 72, 29, 15, 72 और 29 ये दिया गया है। और तो पूछा गया है आपसे कि n प्लस टी प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो ध्यान से समझिए कि NTA 14 तथा NTA 15 ये 5 अंकों की संख्या है, इनका योग दिया गया है आपको 15, 72, 29, तो n प्लस टी प्लस ए का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते कैसे कि इसको लिख लिया हमने NTA 14, ठीक है, ये 5 अंकों के 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर लिखा हमने NTA 15, इनका योग तुम्हें पता है कितना है, 15, 72, सॉरी इसे आएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ आ जाएगा 29, देखेंगे 14 और 15 मिलाकर 29 हो गया,
ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आई 15/72 इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो इन दोनों का योग कैसे देखेंगे, तो देखो एनटीए प्लस एनटीए मतलब 2 एनटीए हो जाएगा, जो कि बराबर किसके है 15/72। तो एनटीए का मान कैसे निकलेगा इसमें 786, 2 से डिवाइड करेंगे जैसे 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 एक आंसर इसमें आ जाएगा 2 × 6 = 12 तो 786 आ गया। तो एन का मान हो गया इसमें 7, टी का मान हो गया 8 और ए का मान हो गया 6। तो इन्हीं का योग पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे 7 + 8 + 6 यानी कि 8 × 7 = 15 और 15 और 6 कितना होता है 21, इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये था अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए सबसे पहले करना क्या है, एनटीए 14 लिखा है, फिर इसके बाद एनटीए 15 लिखा है, इनका योग आपको पता है कितना है 15/72 29। तो इसमें क्या करेंगे, तो 14 जो और 15 इनका योग 29 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनका योग कितना पता चल जाएगा 15/72 चल जाएगा, दो जो कि दो बार दिया गया इसलिए हमने दो कॉमन ले लिया, 2 एनटीए = 15/72। तो एक बार एनटीए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 786, ऐसे ही 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि एन का मान 7 है, टी का मान 8 है और ए का मान 6 है, इनका योग कर दिया आंसर कितना बन जाएगा 21 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 42 दिया गया है, 42 की वैल्यू पता है आपको 26, ठीक है 42 दिया गया है, 42 की वैल्यू आपको 26 दी गई है। 71 का मान दिया जाता है 78 कि 71 का मान है 78 और 33 का मान है 16, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और 62 का मान है, पूछा गया है आपसे कि 62 का मान क्या होगा, इन पहले इन तीनों में जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को 62 में लगाना है, फिर उसका मान पूछा गया कि इसका मान क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 26 चाहिए, तो हमें आखिरी का अंक देखिए समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, तो समझना कि 4 और 2 जोड़ने पर 6 मिल रहा है, ठीक है 7 और 1 जोड़ने पर 8 मिल रहा है, ठीक है 3 और 3 जोड़ने पर 6 मिल रहा, तो मतलब आगे की जो आखिरी की संख्या है वो पता चल गई वो कौन सी हो जाएगी, 6 और 2 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा, बस आगे की संख्या पता करनी है हमें। ठीक है, तो वो कैसे पता होगी वो देख लीजिए जरा, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि कितना हुआ 42 से लाना में देखिए 2, तो ऐसा क्या करें कि 2 आ जाए, तो सब क्या करना है 2 का भाग दे दीजिए 4 में, क्या ये प्रोसेस सही, पहले ये चेक करते हैं। तो 2 का भाग दिया हमने 4 में, तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 × 4 ठीक है, 1 का भाग दे दिया 7 में, तो ये 7 भी आ गया, चलिए 2 का भाग दिया 4 में तो 2 आ गया, 1 का भाग दिया 7 में तो 7 आ गया, 3 का भाग 3 में दिया तो 1 आ गया, तो यानी कि ये जब तीनों में फॉलो कर गया है तो ये आपकी प्रोसेस सही है। तो यही प्रोसेस हम लगा देंगे 62 में, तो 2 का भाग हमने 6 में दिया, 2 का भाग अगर 6 में दिया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 38 बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे लास्ट वाली डिजिट कैसे पहचानी है, तो इन दोनों का ऐड करें 6 आ गया, 7 और 1 जोड़ दिया 8 आ गया, 3 और 3 जोड़ दिया गया 6 आ गया, 6 और 2 जोड़ने पर 8 आ गया। अब पहली वाली डिजिट कैसे पता करेंगे, क्यों चूंकि 4 में भाग दिया 2 का इसलिए 2 आ गया, 7 में भाग दिया 1 का तो 7 आ गया, 3 में भाग 3 का दिया तो 1 आ गया, इसलिए 6 का 6 में भाग किसका देना पड़ेगा 2 का देना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो पूरा आंसर जो बना वो कितना बना 38। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वो क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज के 2 वीडियो पिछले बना चुके हूँ। ठीक है, तो वो देखिएगा आप वीडियो, 7 दिया गया है, 11 दिया गया है, इसके बाद 19 दिया गया है, फिर 35 दिया गया है, फिर इसके बाद दिया गया 67 और इसके बाद आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अंतर करके देख ले, तो अंतर हमने किया तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है फिर अंतर किया फिर हो गया 8, 11 और 19 का अंतर 8, 19 और 35 जैसे ही अंतर किया हम लोगों ने तो कितना आया 16 आया, 16 के बाद जैसे ही अंतर किया तो 32 आ गया। तो एक प्रक्रिया हम लोगों को पता चल गई, एक प्रोसेस हम लोगों को पता चल गया क्या, कि 4 का
मल्टीपल होता जा रहा है, 4 दुनिया 8, फिर 8 का दुगना किया 16, 16 का दुगना किया 32, 32 का दुगना किया होता है 64। तो इसमें 67 में 64 अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर पता चल जाएगा कैसे। देखिए जरा 67 प्लस 64 तो 7 4 11 और ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 131 इसका आंसर बनेगा जो कि सही है। ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से जो नंबर सीरीज से ही रिलेटेड होता है लेटर सीरीज। ठीक है तो उस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले दिया गया उसमें आई एम, फिर दिया गया है एच क्यू, फिर दिया गया है जी टी, फिर पूछा गया कि क्या आएगा। ठीक है तो चलिए पहला लेटर हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है आई एच है फिर जी है फिर क्या आना चाहिए। ठीक है तो हमने एक चीज देखा यहाँ पे कि उल्टा चल रहा है जी एच आई, तो जी के पहले क्या होगा वो इसके पहले आ जाएगा, क्या होगा एफ जी एच आई। तो पहला लेटर पता चल गया हमारा क्या है एफ। अब देखते हैं एम के बाद क्यू आया, क्योंकि अब ये बढ़ेगा, एम के बाद क्यू आया, क्यू के बाद टी आया, टी के बाद क्या आया। ठीक है तो एम के बाद क्यू आया तो कितना आगे आ गया, देखो इस गिन लीजिए हाथ से गिन लीजिए एन ओ पी क्यू, मतलब प्लस के 4 हुआ है एन ओ पी क्यू मतलब प्लस का 4। अब क्यू के बाद टी आता है तो गिन लीजिए क्यू के बाद क्या कैसे गिनेंगे आर एस टी, यानी कि प्लस का 3 आ गया, मतलब एक एक नंबर घटता चला जा रहा है। तो अगला वाला प्लस का 2 हो जाएगा, 2 कौन सा हो जाएगा यू और वी, यानी कि इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा एफ वी। ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहला लेटर कैसे निकालेंगे, तो पहला लेटर कैसे निकालेंगे पहले था आई फिर था एच एस के बाद जी, तो हमने देखा उल्टा चल रहा है, तो देखा जी के बाद एच आता है फिर आई आता है, तो जी के पहले वाली संख्या इसके बाद में आएगी तो यानी कि एफ हो जाएगी। पहले वाला लेटर कौन सा हो जाएगा जी के एफ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरा लेटर कैसे निकालेंगे कि एम के बाद आ गया क्यू तो प्लस का 4 हुआ, फिर क्यू के बाद टी आया प्लस का 3 हुआ, अब कितना प्लस का 2 होगा तो प्लस का 2 मतलब यानी कि टी के बाद दूसरा आंसर कौन सा, दूसरा लेटर कौन सा बनता है बी बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एफ बी। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ठीक है अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 5 4 7 और 2 की वैल्यू है 9, 6 3 6 3 4 2 इसकी वैल्यू है 6, 7 5 8 4 इसकी वैल्यू है 6। तो पूछा गया है आपसे 9 2 3 और 6 की वैल्यू कितनी। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ऐसे अभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके पहले अंकों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो पहले हम अंकों को ऐड करेंगे फिर देखें क्या ये संख्या बन रही है नहीं बन रही, तो फिर उसमें कुछ और दूसरा प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना होगा, तो ऐड किया हमने 5 4 9 9 7 16, 16 तो कितना हुआ 18 हुआ, और इनको जैसे ही हम ऐड करें 1 और 8 को तो क्या बन जाता है 9 बन जाता है। चलिए पहला तो मिल गया आपको, चलिए 9 हो गया। अब दूसरे में भी है, अगर यही फॉलो कर रहा हूँ तो 6 3 9 9 4 13 और 13 और 2 15, यानी कि 15 मिला और 5 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है 1 और 5 जोड़ने पर 6 हो जाता। चलिए इसमें भी ये प्रोसेस मिल गई आपको। फिर देखेंगे इसमें 7 5 12 और 8 20 20 4 24 और 24 में जैसे 2 और 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो वही प्रोसेस इसमें लगा देंगे कि 9 2 3 और 6 इनको जोड़ो जरा, 9 2 11 11 3 कितना होगा 14 14 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 20, 9 2 11 11 3 14 14 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 और 0 को जैसे ही जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा इसका 2 बन जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 2 सही होगा। ठीक है समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो परसेंटेज से है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सरल भी है इसको लगाने में, तो देखते हैं पहले पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में
ठीक है, 45% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सेट थ्योरी द्वारा कर देंगे तो वो सरल पड़ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। तो पहले देखिए क्या पता है आपको, एक परीक्षा में कुल छात्र, कुल परीक्षा में कुल में से, मतलब कुल छात्रों में से 35% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र अंग्रेजी में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो 35% हिंदी में फेल हो रहे थे, 45% अंग्रेजी में फेल हो रहे थे और दोनों विषयों में मिलाकर 20% फेल हो जाते हैं। तो उसने पूछा है, सवाल में क्या पूछा गया है कि तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हमने एक इस तरफ वाले को मान लिया हमने हिंदी का, ये जो है हिंदी में, और यहाँ वाले को मान लिया इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। हिंदी में क्या 35% फेल हो रहे थे और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे थे, 45% फेल हो रहे थे, ठीक है। हिंदी में हो रहे थे 35% और इंग्लिश में हो रहे थे 45%, और दोनों विषयों में कितने परसेंट है, 20%। जो दोनों विषयों में कॉमन होंगे वो बीच में आएंगे, क्योंकि बीच में जब लेंगे तब दोनों में आएंगे, ठीक है। 20% अगर दोनों बीच में ले लिया, ठीक है, हिंदी में भी वो आ जाएंगे और इंग्लिश में भी वो आ जाएंगे। अब हमें ये पता था कि 35% हिंदी में फेल होते हैं, तो 20% तो तुमने पहले से भर लिया है, तो बचा कितना, 35 में 20 तुमने पहले से ले लिया है, तो बचा कितना, 15 बचा होगा, क्योंकि 20 और 15 मिलाकर 35 हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब 20% अगर इंग्लिश में तुमने ले लिया है तो 45 में से 20 घटा देंगे तो बचा अकेला कितना, 25% बचा होगा जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुआ होगा, ठीक है, और जो 15% है जो केवल हिंदी में फेल हुआ है। तो अब हमने देख लिया टोटल कितने लोग फेल हो गए, तो इनको ऐड किया हमने तो 15 और 25 हो गया 40, और 40 और 20 कितना हो गया, 60% लोग फेल हो गए। अब किसी भी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या हमेशा 100% मान के चलेंगे, तो 100% से अगर हमने फेल वालों को घटा दिया तो पास वालों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो पास वालों का ही आपसे पूछा गया था, तो आंसर कितना आया, 40% छात्र पास। तो परसेंटेज पूछा गया था इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 40% छात्र पास हुए। तो ये थे आपको, तो ये थे आपके परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न, और ऐसे ही मैं आपको आगे प्रश्न कराता रहूँगा, और आप बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।